बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी है रमज़ान स्पेशल के हवाले से, वो मैं लेकर आई हूँ काले चने। तो रमज़ानों में हम लोग काले चने भी खाते हैं और वाइट चने भी, लेकिन है ना दोनों अपने अपने उसमें ना अच्छे लग रहे होते हैं। काले चने भी अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छे लगते हैं और वाइट चने भी। तो मैं तो काले चनों की रेसिपी आज आप लोगों को दूंगी। तो वो है जो अक्सर आपने ठियो पर देखा होगा या ढाबा स्टाइल जो काले चने होते हैं ना, चाट मिलती है काले चनों की आलू के साथ, वो वाली तो बहुत मज़े के लगते हैं और है ना बहुत मज़ा आता है उन्हें खाने में भी और बहुत इजी भी है बनाने में ना। तो बस रमज़ानों में ये चाट बनाइएगा आप, काले चनों की चाट रमज़ान स्पेशल, और इंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ये चने हैं, ये रात को मैंने भिगो दिया था तकरीबन 2-2.5 बजे, और ये सुबह तक ना 10-11 बजे तक आराम से भीगते रहे, और इन्हें मैंने हाफ टी स्पून मीठे सोडा डालकर और फिर भिगोया था, क्योंकि ये चने ना एकदम नरम नहीं होते, थोड़े ना सख्त रहते हैं। तो आप सोडा डाल के इन्हें ज़रूर भिगोएं, बहुत अच्छे से ये गलेंगे और आपको खाने में भी फिर अच्छे लगेंगे, वरना सख्त सख्त जो चने होते हैं ना वो फिर खाने में अच्छे नहीं लग रहे होते। तो बस ये अच्छे से भीग गए हैं, अब मैं इन्हें गलने के लिए रख देती हूँ। तो ये पानी में डाल दिए हैं मैंने, और अब मैं इसमें 2 पिंच सोडा डालूंगी, मीठा सोडा, और हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूंगी और इसे गला लूंगी अच्छे से। और सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही ये इतने अच्छे गल गए थे कि एकदम नरम हो गए थे। जो ऐसे चने होते हैं ना काले चने, ये नरम ही अच्छे लगते हैं, सख्त सख्त बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, और खैर मुझे तो पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर आप खाइएगा। तो बस नमक भी मैंने डाल दिया है और इसे मैं गलने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें चने कितने अच्छे से मेरे गल गए थे, और बाकी की जो मुझे तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो भी मैंने है ना निकाल ली हैं, और बहुत नरम हो गए थे। तो बस, और आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 प्याली में प्याज क्यों है, तो 1 प्याली की प्याज हमें पहले डालनी है और दूसरी की मैंने लंबी लंबी काटी है, तो वो हम एंड में डालेंगे, और बहुत मज़े के बनेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बना के और खा के बहुत मज़ा आएगा। और आलू भी ना 2 आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, सिर्फ 4 इंच कलर डाल के और 1/2 टीस्पून नमक डाल के। तो बस अब ये एक पैन ले लिया था मैंने, उसमें मैंने ऑयल डाला है, और ये डाला है मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरे का, वाइट ज़ीरा जो होता है ना, और जब ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो उसमें हमें प्याज डाल देनी है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने और उसे मैंने चॉप कर ली थी बारीक बारीक, सिर्फ हमें इसे नरम करना है, हमें इसे कोई कलर नहीं देना। और है ना जब आप आलू बॉयल करने रखेंगे ना तो उसमें ऑरेंज कलर डालिएगा अच्छे से, तो आपका आलू बाहर से ऑरेंज हो जाएगा और अंदर से वाइट ही रहेगा, तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं जब हम उन्हें चाट में डालते हैं ना। तो बस जब प्याज नरम हो गई थी तो उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं टमाटर हमेशा छिलका उतार के डालती हूँ। और यह है 1 पिंच हल्दी, काला नमक, और चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही है ये कुटी लाल मिर्च। ये चारों चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। और मिर्चें वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको इसमें ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, मैंने बस नॉर्मली डाली थी क्योंकि ज़्यादा तेज़ मिर्चें मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे, और बिल्कुल है ना ढाबा स्टाइल छोले बनते हैं ये, और इतने मज़े के लगते हैं ये काले छोलों की चाट, और चाहे आप इन्हें वाइट चनों में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़े के बनते हैं। और यह है इमली का पल्प, थोड़ी सी इमली लेके मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर उसे मैंने भिगो दी थी और उसका पल्प निकाल के डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैंने तो बस 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही इमली का पानी इसमें ऐड करा था। तो बस जब अच्छे से सब चीज़ें भुन गई तो उसमें मैंने चने ऐड कर दिए हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब तो माशाल्लाह रमज़ानों में भी बहुत कम दिन रह गए हैं, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे, क्योंकि बहुत खुशी से सब लोग माशाल्लाह तैयारी करते हैं और रमज़ान का वेलकम करते हैं,
और अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे पूरे रोज़े रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, क्योंकि रमज़ान तो होता ही इबादत के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो बस जब चने हमारे अच्छे से पक गए थे तो उसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 4-5 बारीक काट के हरा धनिया ऐड करा है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे ये आलू। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने उठा लिया था गार्निश के लिए, भूल गई थी मैं कि मुझे थोड़ा सा रखना है। तो ये देखें ये आलू का कितना मज़े का कलर आया है, बाहर से ऑरेंज है और अंदर से ये वाइट है। मैंने इसे ऑरेंज कलर डाल के ना उबलने के लिए रख दिया था, छिलका उतार कर आपको इसे उबालना है, ठीक है। और छोटा छोटा कट कर लिया था। और अभी जब मैं इसे प्रॉपर रेडी कर दूँगी ना चाट को, आप देखिएगा कि इसका कितने मज़े का लुक आएगा और बहुत अच्छी एक काले चनों की चाट रेडी हो जाएगी। तो बस ऊपर से हमें प्याज भी डालनी है, जो दूसरी प्याली में प्याज थी वो हम ऊपर से डालेंगे, ऐड करेंगे जितनी हम लोगों को पसंद हो। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी ये काले चनों की चाट बिल्कुल रेडी है। इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आपको। और जो कुछ भी रमज़ान के हवाले से आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। देखें हमारी चाट रेडी है। और जब आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करें, ये चाट बनाएं काले छोलों की, तो मुझे इंस्टा पर टैग करिएगा, मैं आपकी स्टोरी, आपकी है ना ये पिक अपनी स्टोरी पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो जो जो भी बनाए ज़रूर शेयर करें। अच्छा जी, तो ये मेरी चाट रेडी है और बहुत मज़े की बनी है, इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और रमज़ान तक ना मेरी सिर्फ रेसिपीज़ के हवाले से ही वीडियोस आएंगी और ब्लॉग्स वगैरह मैं रमज़ानों में डालूंगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी है ना रेसिपी इतने शौक से देखते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इतनी केयर करते हैं, हर चीज़ मेरी है ना देखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के और आप लोगों से बात करके। बस ऐसे लगता है कि मेरी बहुत बड़ी सी एक फैमिली हो गई है। तो इस रेसिपी को भी देखिएगा और बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और रमज़ानों में तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।